दोस्तों नमस्कार, मैं हर्ष कुमार साहू करियर कोच आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो है क्या बिना होटल मैनेजमेंट किए आप 5-स्टार होटल में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा मेरा व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि क्या हम बिना होटल मैनेजमेंट करके किसी भी होटल में काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, क्योंकि आपको मैं इन डिटेल्स में बताने वाला हूं कि बिना होटल मैनेजमेंट करे क्या आप होटल में काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पर हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दीजिए ताकि किसी प्रकार का वीडियो आपको हरदम मिलता रहे। दोस्तों तो शुरू करते हैं। दोस्तों कई लोगों का ये मानना था कि क्या हम होटल मैनेजमेंट किए बगैर होटल में काम कर सकते हैं, अगर हम बिना होटल मैनेजमेंट करे भी काम कर सकते हैं तो क्यों हम 1-1.5 लाख रुपया सालाना खर्चा करके होटल मैनेजमेंट करें। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आप होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएं और बिना होटल मैनेजमेंट करके अगर जाते हैं इंडस्ट्री में दोस्तों, तो आपको नौकरी बेशक मिल जाएगी लेकिन आपका जो करियर है दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी हाँ, मैं हर बार बात करता हूँ करियर की। तो करियर क्या है दोस्तों? करियर देखिए, आप जब कोई ड्रीम देखते हैं तो आप एक स्टेप जाते हैं, एक जगह जाते हैं, वहां से आप ऊपर उठना चाहते हैं ताकि आप एक लंबी रेस की घोड़ा बन सकें। और इसके लिए दोस्तों हर कंपनी को चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा तो कंपनी आपको प्रमोशन देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं, और आप अपना डिमांड रख सकते हैं कि आपके पास रिलेवेंट एजुकेशन है। और साथ ही साथ आप जब काम करते हैं तो काम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है दोस्तों। तो इसमें होता यह है कि आपका प्रमोशन निश्चित हो जाता है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप अगर लो एजुकेशन में जाते हैं तो बेशक आपको नौकरी मिल जाएगी लेकिन ग्रोथ जो है दोस्तों कहीं ना कहीं रुक जाता है। आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते। कभी कभी होता यह है कि आपको पता नहीं चल पाता कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, और यही वजह है कि बहुत जो हैं दोस्तों बिना मैनेजमेंट किए, बिना होटल मैनेजमेंट किए ही होटल में एंट्री कर लेते हैं, नौकरी मिल जाता है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पाता और बाद में वो इस इंडस्ट्री को बहुत खरी खोटी बोलते हैं। वैसे भी जो होटल मैनेजमेंट किया भी है और उनको अगर प्रमोशन नहीं मिल पाता उनका परफॉर्मेंस की वजह से, वो भी इस इंडस्ट्री को बहुत गालियां भी देते हैं। लेकिन जो अगर अच्छा काम करता है दोस्तों, अच्छा परफॉर्मर है, तो उसका प्रमोशन निश्चित है और लोग खुश भी रहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो डिसीजन लेने से पहले बार बार सोच लीजिए, मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा इंडस्ट्री क्या है, क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं, क्या इंडस्ट्री आपको सूट करता है। अगर हाँ तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इंडस्ट्री क्यों पसंद नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने का। देखिए दोस्तों, होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैंने पहले भी कई सारा वीडियो बना रखा है कि होटल में कितना डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या सैलरी होता है, क्या क्या पोजीशंस होते हैं। लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि बिना होटल मैनेजमेंट करे क्या हम होटल में काम कर सकते हैं, तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, आप काम कर सकते हैं बगैर होटल मैनेजमेंट किए। कई सारा ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप बिना होटल मैनेजमेंट किए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि IT, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फिनांस, परचेज, रिसीविंग, सिक्योरिटी। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप बगैर होटल मैनेजमेंट करे भी आप होटल में काम कर सकते हैं। रही बात इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का, तो वहाँ भी आप बगैर होटल मैनेजमेंट करे आप काम कर सकते हैं। ये रहा मैं 5-स्टार 4-स्टार 3-स्टार जो भी स्टार कैटेगरी का होटल या रिसॉर्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। चाहे आप क्रूज लाइन की बात करें तो क्रूज में भी आप जा सकते हैं बगैर होटल मैनेजमेंट किए। लेकिन उन सब डिपार्टमेंट के लिए अपना एक कोर्सेस है, अपना एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एक रिक्वायर्ड एजुकेशन होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट के बिना भी आप अगर वो जो रिलेटेड एजुकेशन है दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आप
किए हैं तो आप उस डिपार्टमेंट जगह काम कर सकते हैं। जैसे कि आईटी के लिए अगर आप आईटी में काम करना चाहते हैं, अगर आपने नेटवर्किंग किया हुआ है, नेटवर्किंग का कोर्स किया हुआ है, तो आप इजीली आईटी डिपार्टमेंट जगह काम कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री में। अगर आप फिनांस में काम करना चाहते हैं, अगर बीकॉम है आप, तो भी जाके आप काम कर सकते हैं। अगर आप टेंथ हैं, टेंथ के बिलो हैं, तो नहीं कर सकते। अगर टेंथ के अपर हैं, टेंथ क्लास पास हैं, तो आप वेटर बन सकते हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस में काम कर सकते हैं, बस बशर्ते आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों वो सही होना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना है, तो यू मस्ट बी ए बीबीए और एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप इंजीनियरिंग मेंटेनेंस में काम करना चाहते हैं, तो आपको पास आईटीआई होना चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, तो भी आप होटल में काम कर सकते हैं। एक बात करूं सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, तो अगर आपने 10th क्लास भी पढ़ाई किया है, हालांकि ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, अगर आप 10th पढ़े हैं दोस्तों, तो 10th के बेस पे भी आप होटल में सिक्योरिटी मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, अगर आपने एमबीए किया है HR में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो आप HR में काम कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों तमाम उन डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, जहां पर आप बगैर होटल मैनेजमेंट किए भी काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और 4 मेजर डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो वहां पर करियर जो है दोस्तों बहुत हाई जाता है। आप एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपका प्रमोशन होते जाता है, एज पर योर एक्सपीरियंस और आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा स्किल्डफुल होंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रमोशन होता है। मैंने कहा 1.5 साल से 1.5 साल 6 महीने में भी हो सकता है प्रमोशन, और किसी किसी का 5 साल तक भी नहीं होता अगर आप परफॉर्मर नहीं हैं तो। अगर आप गुड परफॉर्मर हैं, तो आपका प्रमोशन निश्चित है, 1.5 साल 1.5 साल 6 महीना 2 साल में प्रमोशन हो ही जाता है, आप नेक्स्ट पोजीशन में पहुँचते जाते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेरी होगा कि सैलरी कितना होता है हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, जैसे कि HR का कितना सैलरी होता है होटल्स में, अगर IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनका कितना सैलरी होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में जो काम करते हैं ITI करके उनका कितना सैलरी होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो 10th क्लास पास हैं और होटल में जैसे काम करते हैं, चाहे वेटर हो, चाहे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट्स हो, उनका क्या क्या सैलरी होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने का विथ सैलरी, प्रॉपर एजुकेशन रिक्वायरमेंट, और कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, जॉब कैसा मिलता है, ये मैं तमाम डिटेल्स के साथ में वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आज का हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, DM भी करें, मैं आपका क्वेश्चंस का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। मैं एक नया टॉपिक के साथ जल्द से जल्द आपके पास फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय हिंद।